नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अनिल की मस्ती के एक नए और फ्रेश व्लॉग पे। तो ऊपर वाले का नाम लेके आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप तक आके पहुंच सके। रात के 9:30 बजने वाले हैं, मतलब 9:30 होने को है, और मैं अभी घर पे जाके ऑफिस से निकल आया हूं। थोड़ा फ्रेश होके नहा धो के पूरा हम अभी ऑफिस के मेरे जो कलीग हैं वो सब मिलके, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, मेरे कलीग जो साथ में काम करते हैं, सब हम मिलके पुरी जाने वाले हैं। आज रथ यात्रा है और रात में प्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता के दर्शन करने के लिए सोच तो यही रहे हैं और प्लानिंग भी यही है। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। बोलते हैं कि अगर जगन्नाथ जी का अगर आपको मतलब बुलावा ना आए ना तो आप जा नहीं सकते। तो घर में भी मना कर रहे थे, लेकिन मैं एक मतलब मूड बना के चला आया कि बहुत दिन हो गए प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया हुआ है, तो जाते हैं दर्शन करते हैं। तो स्टे ट्यून, क्या क्या होगा आगे मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, और इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पे जाना जरूर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। अभी मैं गली में हूँ, अभी जा रहा हूँ ऑफिस से 200 मीटर के आसपास, लमसम 200 मीटर के आसपास हूँ। तो स्टे ट्यून, मज़ा आएगा बहुत और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। मैं व्लॉग में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो अभी मैंने अपनी स्कूटी को यहाँ पे रख दिया है। क्या दिया? हाँ, चाबी सिक्योरिटी भैया को दे दिया, ये भैया रख दे दो हला गाड़ रोला। तो अभी लॉक वगैरह चेक करके निकलते हैं फिर। तो मैं अभी सर के साथ जाने वाला हूँ, मेरे सीनियर हैं और सर यहाँ पे खड़े हैं। हम दो जन एक बाइक में जाएंगे, जाना आना 150 किलोमीटर, 120 के आसपास हो जाएगा। तो मिल के चलाना भी है, क्योंकि नहीं तो रात में नींद भी लग जाती है गाड़ी चलाते चलाते, सुबह से डीजे करके थके हुए हैं। तो अभी निकल पड़ी अपनी गाड़ी और आप बने रहिए। बड़ोदंड पे, जहाँ पे अभी मतलब 12 घंटा पहले, अभी से 12 घंटे पहले यात्रा हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप रथ को मुझसे कुछ ही दूरी पे। तो हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लोग अभी भी चहल वहल है, अभी सुबह तक चलेगा ये। और ये प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ लगा हुआ है, तो पहले जाते हैं वहाँ पे और वहाँ से आपको अपडेट देते हैं। Thank you.
तो आप ये देख सकते होंगे मेरे में थोड़ी भी जान बची नहीं है, हालत देख सकते हैं, पूरा हालत ख़राब होके पड़ी हुई है। मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं था। मैं सोचा कि थोड़ा अभी वीडियो बना लूँ, घर में जाके उसे वॉइस ओवर कर लूँगा, क्योंकि खाना वाना का तो लापता पूरा मतलब पत्ता वत्ता कुछ है नहीं। और ये देख सकते हैं घूमते घूमते पूरा हाल बेहाल हो गया था, क्योंकि सुबह ऑफिस और ऑफिस से सीधा जाते जाते वहाँ पर पूरा मतलब भगवान जी के तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, लेकिन उसके बाद जो हालत थी ना वो तो पहुँचते पहुँचते भाई साहब सुबह के 6 बज ऑलमोस्ट 6 बज ही चुके थे। तो मैं आके सो गया, उसके बाद 2 से 3 घंटा सोया कि नहीं, फिर ऑफिस, उसके बाद फिर आके सोया। उसके 2 दिन बाद मैं अभी ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हुआ होगा, मेरा पहली बार एक्सपीरियंस रहा था इस टाइप का। अभी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अगर मुझे वो देते हैं मतलब इतनी शक्ति देते हैं, तो आगे जाके मैं ज़रूर बनाऊँगा। उम्मीद है अभी तक आपको ये ब्लॉग छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा हुआ होगा। अगर लगा बड़ा सा समझ देखिए लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे वाले फ्रेश ब्लॉग पे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय जगन्नाथ।